हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स हीट से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, यह उसकी नेक्स्ट सीरीज़ है। यह पार्ट फोर सीरीज़ होगी जिसमें हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड व थर्ड सीरीज़ लाई थी जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? -20 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस, -100 डिग्री सेल्सियस या फिर -196 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट, न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अंतरिक्ष यात्रा चुंबकीय प्रोत्थान एवं दूरमिति में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं, ठीक है, क्वथन, आसवन, ऊर्ध्वपातन या फिर बहुलीकरण। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ऊर्ध्वपातज सब्लिमेट पदार्थ हैं कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड या फिर इनमें से सभी। तो सब्लिमेट पदार्थ हैं उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, कपूर, नेप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिणत होता है वह क्या कहलाता है, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में बदल जाता है वह गलनांक कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह क्या कहलाता है, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, गलनांक, द्रवनांक, क्वथनांक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह क्वथनांक कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, शुद्ध पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिला देने पर उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो उसका गलनांक घट जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मिश्र धातुओं के गलनांक उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा निम्न होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, ठीक है, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, द्रव से वाष्प में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को वाष्पन कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, ठीक है, यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को गलन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कभी घटेगा कभी बढ़ेगा। तो दाब बढ़ाने से किसी द्रव का क्वथनांक भी बढ़ेगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, अपद्रव्यों को मिलाने से गलनांक घटता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पानी कब उबलता है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं कि पानी कब उबलता है। तो जल का स्थितीय वाष्प दाब वातावरणीय दाब के बराबर हो जाता है तब पानी उबलता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कौन सा है, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु कौन सा है। तो पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु जिसे ट्रिपल पॉइंट भी कहते हैं, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, 273.16 केल्विन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, तो किसी द्रव का वाष्पीकरण होने से उसका तापमान घटेगा,
ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे त्रिक बिंदु कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती। आपको बताना है कि इनमें से किस पर वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती, तो द्रव की संपूर्ण मात्रा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। द्रव की संपूर्ण मात्रा पर वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, चावल को पकाने में कहाँ सबसे ज़्यादा समय लगेगा? ठीक है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि चावल को पकाने में इनमें से सबसे ज़्यादा समय कहाँ पे लगेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, माउंट एवरेस्ट पर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है। किसी निश्चित द्रव के लिए वाष्पन की दर निर्भर करती है, तो आपको बताना है कि किन पर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी कारकों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट, जल का क्वथनांक क्या होता है? आपको यह बताना है, ठीक है, कि जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जल की खुली सतह के ऊपर के दाब पर निर्भर करता है। ठीक है, जल का क्वथनांक ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है? ठीक है, आपको यह बताना है कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है, अतः जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ ना पिघलने का क्या कारण है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पहाड़ की चोटियों पर आलूओं को पकाने में अधिक समय लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वहां पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का क्या कारण है? ठीक है, तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस न बनने का कारण है वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, ऊर्ध्व पातन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट, गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंड हो जाता है, निम्नलिखित संवृत्ति के कारण। आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, वाष्पीकरण के कारण। नेक्स्ट, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का क्या कारण है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, बर्फ में स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक, ठीक है, आपको यह बताना है कि बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, जल का तल अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, निम्नलिखित में से इसका क्या कारण है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का
राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, वाष्पीकरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती, वह क्या कहलाती है। तो इनमें से आपको बताना है कि वह ऊष्मा कौन सी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से कोई नहीं फ्रेंड्स, वह ऊष्मा गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, वह गुप्त ऊष्मा है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, ठोस के गलन की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। ठीक है, आपको यह बताना है कि बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, 80 कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट, वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। ठीक है, आपको बताना है कि वाष्प की गुप्त ऊष्मा का मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, 540 कैलोरी प्रति ग्राम। फ्रेंड्स, इसमें आप 536 कैलोरी प्रति ग्राम भी यदि ऑप्शन में है तो उसको भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। आपको बताना है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस संरक्षण से संबंधित है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के किस नियम से हमें मिलती है। ठीक है, तो आंतरिक ऊर्जा की संकल्पना ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से मिलती है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज हमने फिजिक्स हीट का पार्ट 4 किया, जिसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व किया। ठीक है, इसके बाद भी हम लोग इसकी सीरीज लाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, और यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।